हाय गाइस, पार्ट टू में आप लोगों को दिखाए थे दूध पत्ती, और आज हम लोग निकल गए गुलमर्ग के लिए। वो सामने बादल जो दिख रहा है, वो बादल के साथ बर्फ़ भी है पहाड़ी के ऊपर। तो जूम करके दिखाते हैं आपको, वही है गुलमर्ग। हम लोगों को आज उधर ही जाना है। सवेरे हम लोग ब्रेकफास्ट करके सब लोग निकल गए गुलमर्ग के लिए। वैसे तो हमारे होटल से ज़्यादा दूर नहीं था, आधा घंटे का ही रास्ता था। हम लोग जल्दी निकल गए क्योंकि गुलमर्ग में बहुत रश होता है। आज मौसम भी ठीक ठाक है, इसको देख के हम लोग निकल गए थे जल्दी। अभी ये रहा गुंडोला, गुलमर्ग पहुँच के गुंडोला के लिए लाइन में खड़े हो गए हम लोग। फेस वन फेस टू दोनों का टिकट है, लेकिन इतना भीड़ है। यहाँ से घूम के फिर ये सीढ़ी से ऊपर जाके उधर भी दो तीन जगह ऐसे घुमा के, जैसे अंदर घुमा रखा है ऐसे ही घुमा के फिर गोंडोला में बिठा रहा है। इसी लाइन में हम लोगों को डेढ़ घंटा लग गया, इतना रश हो रखा है। एक दिन पहले तो बंद था, ऊपर मौसम ठीक नहीं था बोल के सेकेंड फेज बंद कर दिया था, आज दोनों खुला है। तो हम लोग सब लोग लाइन में खड़े हो गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर हमारा भी नंबर आ गया और हम लोग ये बैठ गए गुंडोला में। अभी फेस वन में जा रहे हैं पहले। गुंडोला में सब लोग बैठे हुए और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, पूरा बर्फ गिरा हुआ है। कुछ कुछ लोगों को तो हमने यहाँ तक देखा कि पैदल भी अप डाउन कर रहे हैं, जिसके पास टिकट नहीं मिला, क्योंकि ये गुंडोला राइड का टिकट ऑनलाइन बुक किया जाता है, ऑफलाइन मिलता नहीं है। मिलता भी होगा तो कोई ब्लैक में बेचता होगा तो अलग बात है, कोई एजेंट वगैरह, नहीं तो आमतौर पर मिलता नहीं है। हम लोगों ने भी ऑनलाइन ही बुक कर लिए थे पहले से। एक महीना पहले खुलता है, तो आप लोगों को टिकट काटना है तो एक महीना पहले ही ऑनलाइन काटना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो साइट है जहां ऑनलाइन ये टिकट मिलता है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग वहां से बुक कर सकते हो। ये जो दिख रहा है ये पुराना गोंडोला था जो टूट गया है, अभी तो इस साइड वाला नया चल रहा है। फेस वन में चल जाते समय ये कुछ मकान दिखता है। ये जो मकान बना हुआ है मिट्टी का, इसमें पहाड़ में जो गुज्जर लोग रहते हैं वो लोग रहते हैं। खैर, फिर हम लोग आ गए फेस वन में। बाहर आके यहाँ जो सीढ़ी है, यहाँ से बाहर आते हैं और उस साइड वाला जो सीढ़ी है उसमें से फेस टू में जाने के लिए रास्ता है। तो यहीं पर हम लोगों ने फ़ोटोशूट किया। सब लोग बहुत मज़े किए यहाँ पर, बच्चे लोग भी बर्फ़ के साथ बहुत खेल कूद किए वहाँ पर। कश्मीरी कावा भी पिए, कुछ खास नहीं बनाया था यहाँ का कश्मीरी कावा, 50-50 रुपये ले रहे, लेकिन अच्छा नहीं लगा। बाकी दूसरी जगह भी मैं पिया हूँ, वहाँ पे तो अच्छा बनाता है, यहाँ पे पता नहीं है कि वो ऐसे ही कस्टमर को लूट रहा है, घटिया माल पिला के। ऊपर चढ़ने के बाद हम लोगों ने देखे, आते समय तो मौसम बढ़िया था, लेकिन ऊपर इतना फॉग हो रखा है क्या बताएं। फेस वन में ही देख लीजिए कितना फॉग है, फेस
फेस टू में तो और भी ज़्यादा। वीडियो के एंड में फेस टू भी दिखाएंगे नीचे से, क्योंकि हम लोगों के पास टिकट तो था लेकिन हमारी टीम का एक सदस्य थोड़ा बीमार हो गया था, जिस कारण से हम लोग फेस टू को कैंसिल किए। साथ में बच्चे भी थे, इनको भी लेके हम लोग फेस टू जाना ठीक नहीं समझे, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी में हाइट भी ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हवा चलता है और मौसम इतना क्लाउडी है कि हम लोगों ने रिस्क नहीं लिए। हम लोग फेस वन में बहुत मज़े किए और फिर वहाँ से वापस हो गए। देखिए बच्चे लोग कैसे खेल रहे हैं। ये मेरी बेटी बर्फ उठा उठा के फेंक रहा है मेरे ऊपर। अभी आप लोगों को दिखाते हैं जो फेस टू है वहां से ये स्नो बाइक में कैसे लोग आ रहे हैं नीचे, ऊपर से चला चला के नीचे आ रहे हैं। कुछ एक्टिविटी तो इधर भी हो रहा है, देखो कितना बड़ा बड़ा फुटा लिया बच्चे लोग हाथ में फेंकने के लिए। यहाँ से वो ऊपर देखिए, ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है फेस टू, इतना क्लाउडी है कि क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा है, पता नहीं आप लोगों को क्या दिखेगा। फिर भी मैं जितना हो सके कोशिश किया था। देखिए कितना क्लाउडी हो रखा है, इतना कोहरा है क्या बताएं, कुछ नहीं दिख रहा है। इस साइड में ये जो चेयर केयर, ये चेयर केयर है गोंडोला का, ये बंद है, ये इसको बंद ही कर रखा है आजकल, इसका ज़्यादातर टिकट देता नहीं है, क्योंकि हम लोग जिसमें आए पूरा कवर है, ये ओपन है। देखिए इसमें ओपन पैर बैठ के बैठना पड़ता है, पैर लटकाते हुए पूरा ऊपर जाना पड़ता है फेस टू तक, ये टोटली बंद कर रखा है। ये पुराना वाला है, पहले ये था, ये बंद हो गया अभी आजकल, आजकल पूरा नया वाला ही चल रहा है। देखिए कुछ एक्टिविटी इधर भी हो रहा है, ये सब लोग खेल रहा है, वो स्नो बाइक वगैरह हर चीज़ में इसमें।